कौन है मनीष कश्यप? 42 लाख रुपए, पुलिस का स्टेटमेंट है कि 42 लाख रुपए सीज किया गया है, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि आखिर कौन है मनीष कश्यप? ये भाजपा के सपोर्टर्स हैं, ये आरएसएस के जितने भी ये दल हैं, ये सारे भाजपा समर्थक हैं। मनीष कश्यप तमाम टीवी पे आके बात कर रहा है, कह रहा है कि हमको फंसाया जा रहा है, हम जवान के बेटे हैं, सेना में मेरे पिताजी काम कर चुके हैं, लेकिन हमको तेजस्वी यादव फंसा रहे हैं। सच एक ना एक दिन सामने जरूर आता है, जो देखिए अगर आपने कुछ नहीं किया है तो वो भी सामने आ जाएगा। एक तबका तो तमाम समर्थन कर रहा है, जो हिंदूवादी संगठन है कह रहा है कि मनीष कश्यप जो है सच्चा है, अगर वो जेल चला गया तो सनातनियों का अपमान हो जाएगा, इस तरह के तमाम ट्विटर पे ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। आपने देखा है कि जुनैद और नासिर की हत्या के का जो आरोपी था मोनू मानेसर, उसको भी इसी तरीके से सरकार बचा रही थी, उसके लिए ही बड़ी बड़ी महापंचायतें चल रही थी, क्योंकि आज अगर भाजपा में अगर कोई है और भाजपा कि किसी दल से अगर कोई व्यक्ति है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मर्डर कर दे, कोई रेप कर दे या ऐसी बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे दे तो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं हो गई है। पहले मनीष कश्यप की बात करते हैं, तमाम जो खबरें आई उसके बाद सीधा चैलेंज कर रहा था तेजस्वी यादव को, लेकिन अब जो पुलिस कह रही है कि तमाम धाराओं में उसके ऊपर जो एफआईआर हुआ, पुलिस ने उसका जो पैसे भी जो है ब्लॉक कर दिया गया, उसके एटीएम अकाउंट को तमाम। देखिए कौन है मनीष कश्यप, मतलब मैं जिस तरीके से न्यूज़ देख रही हूँ कि सोशल मीडिया पर मनीष कश्यप 42 लाख रुपए, पुलिस का स्टेटमेंट है कि 42 लाख रुपए सीज किया गया है, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि आखिर देश में चल क्या रहा है, और अगर बिहार पुलिस की तरफ से इस तरीके की पहल की गई है तो बहुत सराहनीय कदम है, क्योंकि आज अगर भाजपा में अगर कोई है और भाजपा कि किसी दल से अगर कोई व्यक्ति है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मर्डर कर दे, कोई रेप कर दे या ऐसी बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे दे तो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं हो गई है कि 42 लाख। अभी हमने देखा कि भाजपा के एक विधायक के सुपुत्र रंगे हाथों पकड़े गए थे, तो ये तो आप ये देखिए कि भाजपा के अंदर तो सारे के सारे जितने भी इसी प्रवृत्ति के लोग हैं, तो मैं समझती हूँ कि ये कोई देश के लिए कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। दूसरा ये कि आज जो एक हालात हैं देश के अंदर, वो पूरी तरीके से एक ही तरफ, एक ही पार्टी के लिए और एक ही पार्टी के कार्यकर्ता बार बार हर तरीके के क्राइम्स के अंदर जिस तरीके से पकड़े जा रहे हैं, लगातार जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि कोई मर्डर के केसों के अंदर अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो कौन है वो? भाजपा के कोई या तो कोई मंत्री है या कोई विधायक या कोई कार्यकर्ता निकलता है। हमने पिछले दिनों देखा है कि जिस तरीके से लगातार एक नफ़रत परोसा जा रहा है देश के अंदर, एक समुदाय के खिलाफ जिस तरीके से लिंचिंग, गौ रक्षा के नाम पर जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, ये बहुत आम बात लेकिन है। लेकिन मैम जिस तरह से वो तमाम जो मनीष कश्यप तमाम टीवी पे आके बात कर रहा है, कह रहा है कि हमको फंसाया जा रहा है, हम जवान के बेटे हैं, सेना में मेरे पिताजी काम कर चुके हैं, लेकिन हमको तेजस्वी यादव फंसा रहे हैं। देखिए देश के अंदर अगर कानून कहीं ना कहीं अगर बचा हुआ है तो कानून पे भरोसा रखें, और देखिए इंसाफ की लड़ाई के लिए, देखिए लड़ाई लंबी होती है लेकिन अगर सच एक ना एक दिन सामने ज़रूर आता है, जो सच होगा वो सामने आएगा, जांच देश के अंदर कानून व्यवस्था, अगर आपको भरोसा है कानून व्यवस्था पर तो उस कानून व्यवस्था के तहत आप ट्रायल फेस करेंगे, अगर आपके ऊपर एफआईआर हुई है तो देखिए अगर आपने कुछ नहीं किया है तो वो भी सामने आ जाएगा। नहीं एक तबका तो तमाम समर्थन कर रहा है, जो हिंदूवादी संगठन है कह रहा है कि मनीष कश्यप जो है सच्चा है, अगर वो जेल चला गया तो सनातनियों का अपमान हो जाएगा, इस तरह के तमाम ट्विटर पे ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। देखिए हिंदुत्ववादी संगठन, मैं तभी कह रही हूँ ना कि इतने ये सारे जितने भी संगठन हैं, चाहे वो हिंदुत्ववादी संगठन, मैं विश्व हिंदू परिषद की बात करूँ, बजरंग दल की बात करूँ, विश्व वाहिनी है, तो ये तमाम जो दल हैं ये भाजपा के सपोर्टर्स हैं, ये आरएसएस के जितने भी ये दल हैं ये सारे भाजपा समर्थक हैं, और ये हमने देखा है कि जुनैद और नासिर की हत्या के का जो आरोपी था मोनू मानेसर, उसको भी इसी तरीके से सरकार बचा रही थी, उसके लिए ही बड़ी बड़ी महापंचायतें चल रही थी, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए आज तो हालात ये हैं कि उसके कत्ल पर मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया और मेरे कत्ल पर आप चुप हो, अगला नंबर आपका है, तो ये तो
आज तेरा नंबर है, कल मेरा नंबर है, तो ये तो तेरा मेरा चल रहा है। अगर किसी को ये लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ अब्दुल या किसी गफ्फूर को सिर्फ परेशान करने के लिए, या उसकी लिंचिंग होती है, उसकी हत्या होती है, उसकी उसकी उसको आर्थिक मार दी जा रही है, तो देखिए ये गलत फहमी है। आज देश के हालात जिस तरीके से जहाँ कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, ये हम सब के ऊपर एक इस मोदी सरकार की मार है। अगर इस इन हालातों को अगर हम नहीं समझेंगे, क्योंकि अगर हम आप देखें थोड़ा सा, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ें, आप ये देखें कि देश के इतिहास को पढ़ें, तो आपको दिखाई देगा कि आज ये मोदी सरकार क्या कर रही है देश के अंदर। क्योंकि एक ही मुद्दे पर ये चुनाव लड़ती है, सिर्फ आपस में एक दूसरे को लड़वा के, हिंदू मुसलमान को आपस में लड़वा कर। और अब तो अगर आप देखेंगे तो सभी जितने भी गोदी मीडिया है, जिसको देश गोदी मीडिया कहता है, तमाम जो नेशनल टेलीविजन है उनको देश गोदी मीडिया के नाम से जानता है, ये सभी लोग एक ही राह पर चल पड़े हैं।